प्रकृति के रंग हर पल, हर दिन, हर मौसम में बदलते रहते हैं। अभी ये जगह को ही ले लो, एक महीने पहले हम इधर आए थे, बादलों से भरा हुआ, रंग बेरंग था हर जगह। अभी देखो, ऐसा लग रहा है कि पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। बहुत कम लोग ऐसा होते हैं जो कि एक महीने के अंदर एक जगह का दो रूप देखे, और हम वो भाग्यशाली लोगों में से थे जो कि दो रंग देखने को मिला प्रकृति का, वो भी एक महीने के अंदर। अभी आगे आप देखेंगे स्नो के बीचों बीच राइड करके हम कैसे पहुंचे सिसु विलेज। नमस्ते, नमस्कार, जय जगन्नाथ। तो आप लोगों ने प्रीवियस ब्लॉग में देखा, हम स्नो के तलाश में थे, और स्नो क्या मतलब, स्नो ही स्नो मिला हमको। तो मतलब रोहतांग पास में हम आ गए, हर तरफ स्नो है, वाइट वाइट है, स्नो के तलाश में थे और स्नो फॉल हो गया। तो बहुत ही मजा आया। अगर आप लोगों ने वो लास्ट एपिसोड नहीं देखा है तो देखो, वो आई लिंक आएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका प्लेलिस्ट है। अभी हम हैं रोहतांग पास में, और इधर का जो ड्राइव है खोक्सर तक पूरा एडवेंचरियस रहने वाला है, क्योंकि चारों तरफ बर्फ है। और इधर हम ज़्यादा टाइम नहीं रुकेंगे, सीधा हम जाएंगे अटल टनल तक। पता नहीं इधर से कितना किलोमीटर है, शायद 25-30 किलोमीटर कुछ होगा। तो चलो कंटिन्यू करते हैं जर्नी। कैसा लग रहा है ड्राइव? बढ़िया पूरा सफेद सफेद सफेद। और लाइफ में ना कोई भी चीज पहली बार एक्सपीरियंस होता है ना, कैसा फील होता है, हमको बस ऐसे ही फील हो रहा है अभी। मतलब इतना बर्फ में लाइफ में कभी हम ड्राइव नहीं किए थे। मतलब ऐसा कंडीशन है कि कभी भी रास्ता भी ब्लॉक हो सकता है। करेक्ट। ये बहुत बड़ा रिस्क लेके हम जा रहे हैं। हाँ वही ना, पूरा रिस्क ही रिस्क। ये देखो पूरा मतलब ढका हुआ है बर्फ से सिर्फ रास्ता। ये जो रास्ता आपको दिख रहा है ना, ये पूरा डबल लेन है, मतलब आराम से दो गाड़ी पास हो सकता है, लेकिन अभी इतना ही जगह बचा है बस एक गाड़ी जाने के लिए। जबरदस्त है यार, लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। ठीक टाइम पे हम रोहतांग पास आ गए, नहीं तो ये और ज़्यादा से ज़्यादा एक हफ्ता, उसके बाद तो बंद कर देंगे। सही एक्सपीरियंस लाइफ में। आप एंजॉय कीजिए वाइट वाला राइड। वाह वाह वाह, क्या माहौल है।
ऐसा लग रहा है हम जन्नत में ही हैं, जन्नत में ही हैं। वाह, क्या कर रहा है आयुष्मान? क्या कर रहा है आयुष्मान? और इधर हाँ कॉफ़ी पी दें, थोड़ा कॉफ़ी पी लेंगे, वही है। अच्छा, हम एक जगह पे रुके, मंदिर। बम बम भोले, बम बम भोले, जय शिव शंभु, हर हर महादेव। एक शिव जी का छोटा सा मंदिर है ऑन द वे रोहतांग पास टू खोक्सर विलेज। मजा आ गया यार, मजा आ गया। और हमारा सिंपल सा छोटा सा मशीन बहुत काम का, कहाँ कहाँ हमको पहुँचा दिया इसने। हाँ आयुष्मान, अभी ना ऐसे थोड़ा सा अजीब लग रहा है ना, हमने क्रॉस गार्ड निकाल दिया इसका, तो थोड़ा सा अजीब लग रहा है बस, बट बढ़िया यार। हाँ तो हम थोड़ा कॉफ़ी पी लेंगे, क्या हाल है? हाँ यही वाला जैकेट मैं बोल रहा था, यही वाला जैकेट सही है। हाँ क्योंकि कुछ कर नहीं सकते, ऑप्शन ही नहीं है। हाँ क्योंकि अभी देखो इधर भी बाहर ना अभी थोड़ा थोड़ा स्नोफॉल शुरू हो रहा है। गर्मा गर्म, गर्मा गर्म कॉफी चाहिए। आवाज ना इधर उधर हो रहा है ठंड की वजह से, निकल ही नहीं रहा ठीक से। ठंड है, ठंड है। ओह इधर तो थोड़ा मतलब सख्त नहीं हुआ है। आयुष्मान अंदर बर्फ जाएगा तो डेंजर है, अंदर बर्फ जाना नहीं चाहिए बूट के अंदर, ठीक है? चल उधर चल, बर्फ के ऊपर नहीं होगी, चल 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 उधर चल, गाड़ी के पास चल। हाँ अभी नहीं आयुष्मान, क्योंकि अंदर जाएगा ना बहुत तकलीफ होगा। एक्सपेक्टेड है पीते पीते ही ठंडा हो जा रहा है, लेकिन फिर भी मजा आया यार। आ गए हम रोहतांग टॉप से। आपने देखा कैसा चेंज हुआ लैंडस्केप, पूरा इतना सारा बर्फ़ से हम नीचे आ गए। इधर ज़्यादा बर्फ़ है नहीं, मतलब चोटियों में दिख रहा है बर्फ़। और मेरे पीछे आप लोग देख रहे हो अटल टनल, इधर है अटल टनल। मनाली में तो मतलब थोड़ा सा भी बर्फ़ नहीं है, लेकिन जैसे ही अटल टनल के दूसरी तरफ आओगे ये तरफ, आपको ऐसा बर्फ़ दिख जाएगा। हम तो वैसे पूरा बर्फ़ होके आए, बीचों बीच रोड में आपने देखा कितना सारा बर्फ था। ये है चंद्रा ब्रिज, और ये लोग तो बाहर आ ही नहीं रहे। ये देखो ग्लास के अंदर सब बैठे हैं। हेलो। सिर्फ सुमित बाहर आए और मैं, बाकी ये लोग पूरा कांच बंद करके अंदर, बोलते हैं बहुत देख लिया बर्फ अभी। अभी थोड़ा ब्रेक चाहिए, बर्फ बहुत देख लिया बोलते हैं। धूप था दूसरी बार आए थोड़ा सा ये था, अभी पूरा बर्फ में ढका हुआ है। हर टाइम अलग अलग नजारा दिखता है। वो नदी का भी कलर पूरा ब्राउन जैसा ऐसे था, वो सीमेंट कलर का था, अभी पूरा ब्लू है। अलग सा कलर है ना, पूरा ब्लू, पूरा ब्लू टाइप, ब्लू टाइप मस्त लग रहा है।
एकदम बढ़िया लग रहा है। बारिश बारिश नहीं हुई है लेकिन बादल है, इसीलिए बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा है। बहुत जबरदस्त है, मौसम बहुत जबरदस्त, मतलब नसीब अच्छा है। इतना लकी मैंने कभी सोचने था, हम ले गए लकी हुए, काजा गए लकी हुए, और यहाँ रोहतांग भी गए लकी हो गए। सही सही बात है, सही बात है। भगवान का आशीर्वाद है हमारे ऊपर। और आयुष्मान और आयुष्मान कंप्लेन नहीं करेगा, बर्फ नहीं देखा, बर्फ टच नहीं करने को मिला, वो बहुत बर्फ हो गया। बर्फ देख दिया कि अभी नहीं गए, अब बेंगलोर चलना है अभी। हो गया बर्फ। अभी इधर तक आए तो हम शिशु तक तो जाएंगे ही, शिशु हेलीपैड तक जाएंगे, उधर गर्मा गर्म मैगी बनाएंगे, थोड़ा खाएंगे, उसके बाद आएंगे मनाली। चलो लेट्स कंटिन्यू। पहुंच गए शिशु हेलीपैड। हम ऑलरेडी इधर आए हुए थे लास्ट टाइम, लेकिन लास्ट टाइम का नज़ारा कुछ अलग था, अभी का नज़ारा कुछ अलग है। ग्रीन ग्रीन दिख रहा था, अभी पेड़ों व्हाइट के साथ येलो सब कुछ है, येलो येलो दिख रहा है। मेजर डिफरेंस है, लास्ट टाइम इतने कपड़े नहीं पहने थे क्योंकि बर्फ ही बर्फ दिख रहा है ना। आप ये देखो, बटन भी नहीं दब रहा है, इतना ठंड है। अरे दब जा भाई, हाँ घूम गया अभी। ये देखो बर्फ ही बर्फ है, बर्फ ही बर्फ है। और ये दिख रहा है आपको शिशु वाटरफॉल छोटा सा, और इधर का नज़ारे देखो पूरा येलो 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 कलर के साथ बर्फ, कैसा मस्त लगता है ना, जबरदस्त। और एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप मनाली से रोहतांग पास होके शिशु तक आते हो तो आपको एक तो रोहतांग पास का परमिट का पैसा 550 रुपीज़, उसके बाद शिशु विलेज से एंटर करने से पहले आपको 200 रुपीज़ का चार्जेस अभी शुरू हुआ सितंबर से, सितंबर 25 या 26 को शुरू हुआ, तो टोटल 750 रुपये का आपको चार्जेस लगेंगे सिर्फ इधर तक पहुँचने के लिए, अगर रोहतांग से होके आ रहे हो तो। अटल टनल से होके आ रहे हो तो आपको सिर्फ 200 रुपया देना है। तो अभी फ़िलहाल हम थोड़ा मैगी बनाएंगे, हमारा कैंपर वैन का सही इस्तेमाल करेंगे, ठंडी ठंडी वेदर में गर्मा गर्म मैगी तो बनता ही है, नज़ारा का आनंद लेते लेते मैगी खाएंगे। हवा भी चल रहा है धीरे धीरे। बस बर्तन रोहतांग जैसा ठंडा है इसमें नहीं ना, एक्चुअली क्या है ना ऑलरेडी बॉडी में ना हाँ रह चुका है। सबसे ज्यादा ठंड लग रहा है सुमित को, आज मुझे ठंड लग रही है। अभी गरम गरम खाना हो जाएगा तब कम हो जाएगा, 2 मिनट में हो जाएगा मैगी। टमाटर मैगी है, फुल टमाटर डाल दिया उसमें। तो खा के पियो या पीको पी के खाओ, सुप्पी नूडल्स। गैस के पास खड़े हैं सब गर्मी के लिए। ए इतना नहीं आएगा उसमें, आ जाएगा टाइम नहीं, मैगी का टाइम नहीं आ रहा अभी तक। ऑलरेडी 10 मिनट हो चुका है, 2 मिनट वाला, 2 मिनट का मैगी 20 मिनट। तो पानी तो गर्म होना चाहिए कि नहीं, पानी नहीं गर्म होगा। 5 मैगी 1 मैगी 5 मिनट, ठंडी वेदर है ना। चाय घूमता है, हाँ हाँ हाँ, वो चाय पत्ता, ये ब्लैक टी, हाँ ब्लैक टी का इंतजाम ना सब कुछ। हाँ नहीं, इधर से लोकल लोकली खरीदा था, पता नहीं डबल डायमंड इसमें घर का। अच्छा अच्छा,
आयुष्मान गिरा मत दे ठीक है। हां गिर गया गिर गया। हां माने एडा हो तो नहीं एडा टूप काम अदर पिन से गदर वक्त हो गया हमारा मैगी, 2 मिनट का मैगी 15 मिनट में रेडी हुआ। चलता है आयुष्मान फर्स्ट, किड्स फर्स्ट। गरम है आयुष्मान, गर्मा गर्म ना मजा आएगा। और ये मैगी अल्टीमेट नसीब वाला हूँ जो मैगी मिल रही है यहाँ पे, ठंडे ठंडे वेदर में गर्मा गर्म मैगी। और पीछे बर्फ वाला पहाड़, वाओ एकदम बढ़िया, बहुत ही अच्छा है। खास करके बैकग्राउंड ना चार चांद लगा रहा है, इस बैकग्राउंड में बैकग्राउंड वाइट वाला बड़ा वाला पहाड़। मुँह पिंचर है। हाँ ऐसे ही तो एडजस्ट होना पड़ता है ना सिचुएशन के हिसाब से, तो एडजस्ट। हाँ, तो और घर के जो महीने उन्हें हमेशा बचा कुचा मिलता है। हाँ, करेक्ट। पानी को नहीं मिला दाउल। एक्चुअली हमारे पास प्लेट भी है लेकिन ये सूप टाइप बना है ना, इसलिए तो उसको खाने के लिए। और एक भी है सूप, वो प्लेट में ना जल्दी ठंडा हो जाएगा, इसमें थोड़ा गर्म भी रहता है ना, नहीं तो प्लेट था, ये स्टील है ना। बहुत बढ़िया जगह पे मैगी एंजॉय किए। अभी टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 4:30, तो डायरेक्टली हम मनाली जाएंगे। इधर से लगेगा लगभग 1 घंटा लग जाएगा, 1 घंटा से 1 घंटा 15-20 मिनट लग सकता है। तो डायरेक्टली मनाली जाएंगे, तो उधर मिलते हैं। आप भी एंजॉय कीजिए ये नज़ारा, ये भी आपको ट्रांसफॉर्म दिखेगा, मतलब अटल टनल पहले का नज़ारा, उसके बाद अटल टनल क्रॉस करेंगे उसके मतलब क्रॉस करने के बाद जो नज़ारा वो भी अलग रहता है। तो आप वो पूरा नज़ारा एंजॉय कीजिए, मिलते हैं सीधा घर पर। कल आते आते ना बहुत लेट हो गया, मतलब 7:30-8 o'clock हो गया, क्योंकि अटल टनल में कुछ तो मेंटेनेंस चल रहा था, हमको कम से कम 45 मिनट्स वेट करना पड़ा। और आते ही इधर बारिश हो रहा था धीरे धीरे, और आपको तो पता है हम माउंटेन होम में ऊपर रहते हैं, तो थोड़ा चढ़ने को होता है और बारिश में थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है। तो इसलिए आके हम खा पी के सीधा सो गए, अभी उठ रहे। बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा है, दिखाता हूँ आप लोगों को। अरे घूम जा भाई, ये देखो बारिश हो रहा था ना रात भर, जैसे इधर बारिश होता है बर्फ़ गिर जाता है, उधर भी देखो माउंटेन टॉप में। इसीलिए ब्लॉग को हम हैंड नहीं कर पाए। अभी सुबह सुबह उठे हैं, आज संडे है, आज कुछ वैसे प्लान नहीं है क्योंकि वेदर ख़राब है, किधर जा नहीं सकते, बारिश हो रहा है धीरे धीरे अभी भी। उम्मीद करता हूँ कल वाला पूरा ब्लॉग आपने एंजॉय किया रहेगा, पूरा बर्फ़ वाला माहौल हमने भी पहली बार देखा, मतलब आयुष्मान मामा एंड आयुष्मान तो पहली बार ही देखा। मैं भी कम से कम कितना 12 में 2008 में गया था जर्मनी, 13 साल के बाद मैं देख रहा हूँ स्नो। तो ओवरऑल हमको भी बहुत मज़ा आया, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को भी मज़ा आया रहेगा। अगर अच्छा लगा रहेगा तो लाइक कीजिए, कोई भी पहली बार देख रहे हो चैनल तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर से और एक नया ब्लॉग में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ।